जिसने ना की गुरु की संगति और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जिसने ना खाई छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। कि बेटे की ममता माँ जाने और वो बांझ लुगाई क्या जाने, जाकी ना गई पाई बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज मैं त्रिमूर्ति डिजिटल चैनल के सौजन्य से एक बहुत सुंदर कहानी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। क्या स्त्री के द्वारा घर की बर्बादी किस तरह से होती है, इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि आज के युग में, इस कलयुग में क्या हो रहा है, इंसान के विचार कितने बदल चुके हैं। परमात्मा न जाने कि पति और पत्नी के विचार आपस में क्यों नहीं मिलते हैं, दोनों के अंदर में कोई तो भेदभाव होगा। तो आ जाइए साथियों, क्योंकि स्त्री जो होती है जिससे पुरुष की उत्पत्ति हुआ करती है, पुरुष की जन्मदाता होती है स्त्री, कि नारी से नर का जन्म हुआ और नर नारी से सृष्टि चलती, और हर जगह नारे नर से आगे ये वेद पुराण लिखी रहती। सुधार देती है, घर को स्वर्ग बना देती है, और वही स्त्री भरे घर को मिट्टी में मिला देती है, और वही नारी वेश्या बनती, अरे वही नारी वेश्या बनती जो कुल को कलंक लगाती है, अरे वही नारी पति संग रहे मुश्किल में समय बिताती है। दोस्तों, वही औरत होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, और वही औरत है जो भरे घर को मिट्टी में मिला देती है। ऐसी ही नारी बद चलन के, ऐसी ही नारी बद चलन के कुछ सुनो विचार हमारे हैं। नारी के आगे सूर वीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। दोस्तों, स्त्री से जग का कल्याण होता है, और स्त्री ही भले परिवार को मिट्टी में मिलाने में सार्थक हुआ करती है। आ जाइए, एक लड़की का जिक्र है इस कहानी में। जो लड़की बड़े भले परिवार से है, जिसका पिता बड़ा धनवान है, और उस पिता के सिर्फ एक ही बेटी थी, सिर्फ एक ही बेटी, और वो लड़की बहुत सुंदर, लला कितनी सुंदर है, अरे थी वो चंद्र बदन उजियारी, आ
भले परिवार में सिर्फ एक बेटी, अरे माता पिता दिलो जान से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करते हैं। हुआ ऐसा तेरे प्यार पिता महतारी है इकलौती धीय हमारी, माता पिता अपनी बेटी को बहुत चाहते हैं क्योंकि एक ही बेटी है, दिल से ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी को। शादी नहीं हुई थी, कुआरी थी। एक दिन की बात है कि वो लड़की जब धीरे 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 कुछ बड़ी भई है तो माता पिता के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया, अल्लाह बिगाड़ दिया भाव ऐसो के बेटी घर क्वारी फिरे यारे मेरे भैया, जाके ठाट न भरने जाई जी। अरे धन दौलत घर में भरी, अरे मेरे प्यारे वो तेवर रही है दिखाई दी, वो लड़की बिगड़ गई और बहुत घबंडी हो गई। घबंडी और घबंडू क्यों ना होए, है धन दौलत बेशुमार भरी है घर में। अरे इकलौती माँ बाप की, अरे मेरे भैया इकलौती है माँ बाप की, अरे मेरे भैया वो बिगड़ गई है सुकुमारी जी। बिगड़ गई वो लड़की और मैके में शादी से पहले ला एक लड़का से बहुत हित हो गया, बहुत हित प्यार आहा। अरे शादी से पहले टिक गई, अरे शिवदीपू वो तो हुई बैठी पूरा लड़की। मैके में मां बाप के प्यार ने इतना बिगाड़ दिया उसे कि उसका हित एक लड़का से हो गया और इतना प्यार हो गया सीलू, इतना प्यार हो गया भाई नहीं पतो का हम क्या कर रहे हैं। एक को छोड़े एक को पकड़े, एक को छोड़े एक को पकड़े, भाई इसमें अपनी तारीफ समझती थी कि हम जितने ज्यादा से प्यार कर लिए तो मेरा नाम हो जाएगा। हाँ, वो लड़की अरे नीच काम और करवे में समझे है तारीफ हमारी, तारीफ समझती थी अपनी और ना ही गिनती प्रेम की, अरे ना ही गिनती प्रेम की, रोके न पिता मातारी। शादी को कर लो ख्याल,
माता पिता सोचन लगे कि अब जो जवान जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, अब बेटी घर में जब शादी के योग्य हो जाए तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बेटी के पीले हाथ कर देना बहुत ही अति आवश्यक है। सैया पूछे गो जाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गो जाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। और कैसे बिगड़ी सब बतलाए दे गुजरी, सैया पूछे गो जाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। जब बेटी शादी के योग्य भई है तो माता पिता ने विचार किया कि इसकी शादी कर दें। एक धनवान घर में बेटी की शादी पक्की की है, तिथि तारीख जब छांट करके तय हो गई शादी, डेट निश्चित हो गई। शादी के होने के बाद में लड़की जब विदाई होए के ससुराल में पहुंची है, बदचलन तो थी पहले से ही, वाह को ऐसा कर्म बन गया हुआ तो लला के बनाए डांटे डटते थी, लेकिन जो पति था उसका बहुत ही सुंदर विचारों का, सुशील विचारों का उसका पति था। पति ऐसा था कि सुबह बिना स्नान किए मुंह पे अन्न का दाना भी नहीं रखता था। पति बहुत सुंदर था और जब शादी हुए के ससुराल में पहुंच गई है तो तुम जो तो जानते ही हो कि नई शादी हुई के जब आए तो स्त्रियां बहु देखने को आती, चलो बहु देखे आए भाव ऐसो, अरे बहु देखने सब नारी आई, सब स्त्रियां बहु देखने को आई के फलाने को ब्याह हो आओ चलो बहु देखे हो। अरे बहु देखने सब नारी आई और फिर आपस में बतलाई, स्त्रियां लला जब बहु देखन को आई तो बहु देखन में तो बाकी में सुंदर हती, लेकिन सुंदर विचार नहीं थे उसके। सोच रही है मो देख रही बातें कर रही बहना, बहु तो बहुत सुंदर है और जाए कोने धरे कहते सुदिल्ला के जगी, और कितनी सुंदर भाई है सगाई और सुगर नारी जाके घर में आई, और कितनी सुंदर बहुअर आई बेटा की हुई गई है सगाई, स्त्रियां सब आपस में बैठी हैं, बहू को देखती हैं और विचार करती हैं कि बहना बहू वाकई में बहुत नीक है, जाओगे ब्याह लेट का बहू, बहू बहुत सुंदर मिली, देखत में तो बाकी में सुंदर रहती शिवदीप, देखत में वो बाकी में बहुत सुंदर थी। हाँ, लेकिन ससुराल में पहुंचने के बावजूद भी वह लड़की के जो विचार थे पिछले बदले ना आए, बे ना बदले भाव ऐसो, पिछली आदत नहीं गई सुनो मेरे भाई, पिछली आदत बाकी गई नहीं, पिछली आदत नहीं गई सुनो मेरे भाई, ससुरे मेली ने कछु बने नए बनाई,
सोचन लगी अब मैके वाले यहां तो आए नहीं सकते, मैके वाले मैके में छोड़ दे और ससुराल में फिर नई भर्ती कर दे लला। महाराज के मैके के छोड़े सवैया, अरे हालत देखी के बहुअर की ससुर ने नारी को तब डांट लगाई है, भैया सासु ससुर ने नारी को तब डांट लगाई है। जिसकी पिछली आदतें बदली नहीं, ससुराल में माने नए नए और दोस्त बनाए ले, कहूं जा से दोस्ती कहूं बा से दोस्ती, आहा जो आए जाए बड़ी भली अति मने नहीं करती अति बहु ऐसो के परिवार में जब ये चर्चा चलने लग गई, घर में सास ससुर जेठ देवर सब कह रहे हैं कि भाभी जे काम अच्छे ना आए, ससुर कह रहे बहू तू क्या कर रही शर्म ना आ रही, तो सब परिवार समझा तो रहो लेकिन चिकना घड़ा बन गई, चिकना घड़ा पानी डालो रपक के दूर बाप कोई असर ना है। हाँ तो घर वाले सोचने लगे अब जा से बढ़िया तो ऐसो करो जाए अलग कर दे, बहुत बड़ी बेइज्जती है, अरे एक जाते हैं दस आते हैं, पांच जाते हैं दस आते हैं, ये क्या चक्कर है रोज का, न्यारी कर दो इसी, हुआ ऐसा लेकिन पति बिचारो बाय कोई मतलब ना, सब हालत देखने के बाद बाप कोई असर ना है, सीधा था महात्मा जैसा, बहुत सुशील विचार थे उसके पति के, बहु ऐसो सब लोगन ने मिलके कन्यारी तब करी दई सभी ने कही बद चलन नारी, और न्यारो घर मिल गओ है रे तब मगन भई है वो नारी, घर वालन ने मिलके बस न्यारो कर दो और अलग जाओ घर दे दो, बड़ी खुश भई, आहा अब देखें वो कहे हमसे दूरी घर मिल गओ, अब सोचने लगी कि हमारे जो मन में आई अब सो करेंगे हम, वन न्यारी तब कर दई सबई ने कई पद चलन नारी, अरे न्यारो घर मिल गओ है रे तब मगन भई है वो नारी, जब न्यारी कर दई तब तो भोले स्वभाव का उसका पति पास में आया और कहने लगा क्यों तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हो रहा है, अरे शादी हुए में दिनों कितने भाई घर वाले ने अलग कर दिया, विचार चेंज कर दो बदल दो विचार, क्या कर रही हो तुम, संसार थूक रहा है समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है हम, सुधर जाओ ना। क्यों कर रही ऐसे काम रे के हसत नर और नारी, क्यों कर रही ऐसे काम रे के हसत नर और नारी,
समझाने लगा, एक काम करो, जो तुम कर रही हो ये अच्छा नहीं है। समाज में पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और बस सुनते रही कछु ना बोले, क्योंकि बाय जो करनो हुआ तो उसको कर रही है, बाप है कोई असर ना पति की बात को। हाँ, बनारी ने एक बात पति की ना मानी, भाव ऐसो गणेश भैया, पर पति की एक ना मानी है वो नारी करे रे शैतानी है। अरे मिलवे की मरज पुरानी है, बतो हुई गई बड़ी सयानी है वो। शिवदीप बगी आदत है थी तुम्हारी तरह। अरे मिलवे की मरज पुरानी है बतो, बनी रही बड़ी सयानी है बतो। मेरे भैया पति ने बहुत बहुत समझाई, बहुत बहुत समझाई, लेकिन बाकी दिमाग में एक भी बात नहीं आई। भाव ऐसो पति कहने लगे, सुन अभी तो तेरी शरीर में शक्ति है, दम है, जो तेरे रोजाना जी आए ना रहे नई नई क्वालिटी के नए नए मॉडल है, जे कुछ दिन बाद एक देखवे को ना मिले, क्योंकि अबे ऐ देख लो कितनी तू सुंदर लग रही है ना, ताई सु आए रहे हैं जी, वैसे हमारे घर आज ना कोई आओ ना है, केवल तेरे ही मारे, और समझ रही है एक बात तू सुनो। अरे फिर क्या करी है तू मनमानी, आज के बाद जब बुढ़ी हुए तब। अरे फिर क्या करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। जब उम्र फिर ना मिलेगी लला। फिर क्या करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। फिर क्या करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। असुन एक समय बु है, जो जो तेरी बातन पे नाचते, तेरे सारे पे जो नाचते हैं ना, एक भी दिखाई नहीं देगा। एक दिना होई बूढ़ी डुकरिया सिपुड़ी जाए सब गाल। जे अबे नाइ क्रीम पाउडर लगाए के जो लप फिर रही है, पता लगे वो। अरे एक दिना होई बूढ़ी डुकरिया सिपुड़ी जाए सब गाल। अरे कमरी झुके कमान हुई जाए और पिचक जाए सब गाल। फिर क्या चले है चाल उतानी, जब जवानी ना रहे। फिर क्या चले है चाल उतानी, जब जवानी ना रहे। अरे जवानी ना रहे शिव हरे जवानी, चाली उतानी जब जवानी ना रहे। फिर क्या करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। पति कहने लगा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। अरे मान जाओ ना,
समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पगली तुझे पता है कि समाज में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। पहले तेरी बड़ाई होती थी, अब बुराई हो रही है। शकल से तो इतनी सुंदर है, लेकिन विचारों से सुंदर क्यों नहीं है? क्या बात है? अरे मेरी जिंदगी को नर्क तू क्यों बना रही है? कुछ सो समझ जा। और बाकी में बात यह है कि मेरी शादी हो जरूर गई, मैं तेरे लायक आते ना आए। हम तेरे लायक ना आए थे? इतने काम VIP ना ठाटे, VIP कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? बहुत समझाओ, बहुत समझाओ, लेकिन वह नकटी ने अपने पिया की एक बात मानी ना है। जब ना मानी तो भाव ऐसो लला कि पति ने साधु को भेस रखो। निराश हुई गई बेचारी ने, निराश हो के साधु हो गए। तो चल लगे जाई में ठीक है, मतलब कि पति ने साधु का भेष रखा और एक सुंदर मंदिर बना लिया। निराश हुए के बेचारे ने एक सुंदर मंदिर बना लिया। पूजा कर रहे परमेश्वर की और नारी से पीछा छुड़ा दिया। होके उस बेचारे ने सोचा कि शादी करने से कोई मतलब नहीं हुआ। भगवान मुझे अगर पत्नी दी थी तो सुंदर विचारों वाली देता। ये क्या है? अब हम तुम्हारे ही चरणों में बाकी जिंदगी बिताना चाहेंगे। प्रभु मेरी रक्षा करना। अब पतियों महात्मा हुई गए और घर वालों ने निहारू कर दो भाई। अरे अब तो मौज ही मौज लला, बाकी अब तो बहुत ज्यादा मौज हो गई। अब मौज हुई गई नारी की। ओ लला, दस आते हैं दस जाते हैं, मौज हो गई बाकी। कछु साड़ी लावे नई नई और कछु चेव रात बनवाते हैं। कछु साड़ी लावे नई नई, कछु जेवरात बनवाते हैं। भगवान ने ऐसी टेरवा की सुनी कि सब रास्ता बाकी खाली हो गई लला। परिवार वालों ने न्यारो कर दो, अलग रहने दूर मकान दे दो। अपने घर से दूर मकान दे दिया। अब गांव वाले जो ना जाने पा रहे कि को आए रहो को जाए रहो। पति महात्मा हो गया। अरे मौज ही मौज हो गई बाकी तो। दोस्तों, उसके जो प्रेमी हते कोई गिनती ना हती के बाकी कितने चाहने वाले। आए सबको लला उंगली पे नचा रही, जो चाहते सोई मंगाई रही, बंसी बज रही चैन की बाकी। अब वो नार के सब खर्चा इतने बेस्ट, इतने VIP हो गए, बहुत ज्यादा खर्चा VIP, आए सो VIP, बेहू VIP, बेहू VIP, सब VIP लला बहु ऐसो। अरे सब खर्चा है VIP, मिलने वाले आए VIP।
कटरो वीआईपी, दिन दिन नार बनी है वीआईपी। पर स्त्री अब तो लल्ला बाजी इतनी मौज हो गई, बहुत मौज। अरे घर आदमी से भरोई रात हुए, लल्ला इतने दस आए दस जाए, घर खाली नहीं रहता, चौबीसों घंटा घर भरो रहते। तो साड़ी आती हैं और कुछ श्रृंगार को सामान आते हैं, पति महात्मा है वो श्रृंगार इतनी कर रही है कि जब बहुत बड़ी पतिव्रता सती सावित्री है, बहुत श्रृंगार कर रही है, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है उसका। एक दिन जब ये सब उसके जेठ ने देखा तो भाई बेचारे को बड़ी शर्म आई, आकर के बोला हाथ जोड़ के, है सुन तेरे मायके में क्या ऐसा ही होता रहा है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? मेरे परिवार को तूने बहुत गंदा बना दिया, तूने आकर के वहां से यहां गंदगी फैला डाली है, कमीनी औरत या तो सुधर जा, इसका अंजाम बहुत गलत होगा। जेठ ने जब इतनी बात कही, ऐ काली नागिनी की तरह फुसकारी हो जकई, हम तोय तो देखिए लिए, परेशान मत हो, तोय तो हम देखिए साम भाई। तो लल्ला भी प्रेमी इकट्ठे भाई संजा को, वहां नौदुर्गा जैसी भीड़, हाँ ले ले के बोतले आए। हाँ प्रेमी से बोली, सुनो अगर तुम हमें मानते हो और सच में तुम हमें चाहते हो तो एक काम करो। क्या? एक कांटा है मेरे जीवन में, उसे दूर करो तुम। क्या? हाँ सुनो कि अपने प्रेम से कही अरे मेरे रसिया, मेरे जेठ को दियो न सुधा, मेरा जेठ मेरे जीवन में दीवार बन के खड़ा है, उस दीवार को अलग कर दो। अरे अपने प्रेम से कही अरे मेरे रसिया, मेरे रसिया, मेरे रसिया, मेरे जेठ को दियो न सुधारी। अब बे तो सब लल्ला बाकी उंगली पे नाचत थे, सब इकट्ठे भाई कई बात कहे, बोली बात ऐसे ऐसे, चिंता मत करो बेले। उसी समय बिना बात के नारी ने अरे मेरे सीलू, बिना बात के नारी ने अरे बेटा बोगी बने बात के। भाई स्त्री ने जेठ देवर सास ससुर सब उन प्रेमी से कुटवाए डारे, बहुत बुरा हाल। अब तो बस हिंसा होगी घर में, अब सबके सामने मने आए शो करे, बस कोई कह वालो ना कि तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कछु ना कह मेरे भैया। इसी तरह चलता रहा बीत गए कछु साल, बाछर चंडी नार से पैदा भय दुलाल। इसी तरीका से समय कछु बीत गयो, पति तो महात्मा ही होएगा, वह तो वे आए कहां से,
उन्हीं की तो बातें। हाँ, दो पुत्रों ने जन्म लिया और एक बेटी का जन्म हुआ। जब बेटी बेटा धीरे धीरे कछु बड़े भए, तब औरत की जो बेटी थी, बेटा तो जो असली पिता था, पिता कहने लायक था, उस पिता जैसे विचार हैं बेटों के, और बेटी आहा वो तो माँ पे चली गई। हाँ, जब बड़ी भई है तो वो लड़की अपनी माँ पे गई। कुछ दिन के बाद में, अरे जब बड़ी भई है सुकुमारी, धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी भई, तो मम्मी से ज्यादा निकली। हाँ, फोकन संग करी बने आरी, देखत रहत खड़ी महातारी, लड़की जो थी उस औरत की लड़की अपनी माँ से ज्यादा बड़े के लला इसकवाज नहीं करी। आ हा हा, कहानी कछ और आई, कहानी बदल गई। अब तो माँ को खौफ ना है भाई, क्यों माँ को खौफ करे कैसे, जब बा के सामने माँ के निरे आ रहे हैं तो माँ के सामने बहू बुला लिए तो जान कौन सी बड़ी बात है। एक दिन बाकी माँ ने कही कि बेटी जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अरे क्या कर रही हो? सुनो के हाथ पकड़ी मैया कहे और मेरी बेटिया, अरे नी के नाई जे काम जी, हाथ पकड़ उसे बोलियो ना है। अरे बोलो ना काऊ मरद से, अरे मेरी प्यारी तुम हुई जय हो बदनाम जी, माँ बोली बिटिया सुनो ये काम अच्छे ना होते हैं, काऊ मद से नहीं बोलोगी बदनामी हो जाएगी। बेटी कहने लगी मैया कैसी बात कर रही हो? मैंने क्या करो, हम तो तुम्हारे आधे से तो उन्हें बोलते हैं, जितने से तुम्हारी दोस्ती है हमारी दोस्ती तो उनके आधे से उन्हें है। जवाब दे दिया उस लड़की ने, अरे हंस के बेटी यो कहे अरे मेरी माता, हम तुमसे बढ़ी के नाई जी, ए हंस के बेटी क्यों कहे अरे बेटा सीलू, हम तुमसे बढ़ी के माँ ने बेटी से कहा कि बेटी जे काम देखो अच्छे नाए होते हैं,
घर घर में बदनामी हो जाएगी। बेटी कान लगी, अबे कौन लोग, अबे कहाँ बड़ाई हो रही हैं और तुम हमसे कह रही हो, अरे हम तुमसे बड़े के थोड़ू ना हैं, अरे हमारी तो रीत तुम्हारी आधीन से उन्होंने है। अब महतारी के जो प्रेमी रहे, बिटिया की माँ के जो प्रेमी रहे, उनने एक दिन लड़की को देखा। अब सोचन लगे जे बूढ़े मकान में का आधर हुए, तो धीरे धीरे एक एक करके लला अम्मा को तो छोड़न लगे और बिटिया को देखो निगाह पसारी के उनने भाव ऐसो। और माँ के प्रेम ने जब निगाह पसारी, देखा कितनी सुंदर राज दुलारी, महाराज की बुढ़ी हुई गई है ये नारी। और अरे सब प्रेमी गए छोड़ी, हाय हाय सब प्रेमी गए छोड़ी, घेर लई बाई की सुकुमारी। भैया नारी सोचन लगी किनारो कैसे पाऊंगी, भैया नारी सोचन लगी है किनारो कैसे पाऊंगी। उस औरत के इशारों पर जो लोग नाचते थे, वही लोग उसकी बेटी को देख करके मोहित हो गए। सोचने लगे अब जामे का धरो है, अरे इस घर में एक नया कमल खिल गया भाई, इसे देखो। अब धीरे धीरे वह लड़की की तरफ सबकी निगाह रहे, सबकी निगाह। एक दिन की बात भैया, औरत सोचन लगी कि जे सब हमें धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। महतारी ने अपनी बेटी खूब खूब समझाई, जाई से समझाई कि जे कैसे हमारे आते सो हमारे ही बने रहे। लेकिन बनाए मान। एक दिन की बात कि रात्रि के समय पर वो लड़की धन दौलत लेके और मम्मी के प्रेम के संग चली गई, चली गई, घर छोड़ के भाग गई। माँ सोचने लगी ये क्या हुआ, प्रेमियों का दिया हुआ जो कुछ भी मेरे साथ में था, मेरे पास में था, लड़की लेकर के भाग गई। अरे मैंने चेक्का चुकारो, लेकिन हम भागी तो ना आए, तो एक से एक बढ़ के होता है सिलू। माँ ना भागी, बेटी भाग गई। धीरे धीरे समय वो भाव कि वो औरत अपनी करनी पर पछताने लगी, बहुत ज्यादा पछताने लगी। सोचने लगी भगवान कि यूं से हमारे बेटा को शादी आ जाती तो बेटा की शादी कर लेते, बहू घर में आ जाती जिससे हमारी जीविका चलती। अब खाने के लिए घर कुछ नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। जो कुछ भी था वो लड़की लेकर के चली गई। याद रखना मेरे भैया, वो औरत अपनी करनी पर पछताने लगी है। बोली भगवान अब क्या होगा, हमारे प्रेमी थे वो भी हमें छोड़ करके चले गए, बेटी सब कुछ लेकर के भाग गई, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। मेरे बेटन की शादी हो जाती तो सुख मिल जाता। बेटा कहने लगे तूने बहुत अच्छे कर्म करे हैं ना, जो हमारे भोंपा हुए हैं, बहुत इज्जत कमाई तूने समाज में। कुछ दिन के बाद में बाके घर में लोगों आग लग गई,
खाने पीने का जितना भी सामान था वो सब जल गया, भिखारनी हो गई। अब कुछ जब हाथ में नहीं रहा तो याद आई प्रेमिन की, और जाके घर जाते है सोई धक्का मार के भगा देता है। बोली क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया? पहले तुम दिन दिन में कम से कम 10-10 बार आते थे, अब तुम्हारी सूरत भी देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्या बात है? तो एक प्रेमी कहने लगा, सुनो बात ऐसी कछु ना है, बात जाए ना कि तुम्हारे बारे में घर में हम कोई अगर बात कर दे ना तो हमारी पत्नी से लाठी और चंतरूज। किनारी मेरी मोसे लले यले मेरी प्यारी, घर हो बैनित संग्राम जी, तुम्हारे ही नुआवे को मन तो खूब आतो है, लेकिन नहीं कहूं अगर बातें कर ले पत्नी ने जान ली तो रोज लड़ाई घर में, रोज लड़ाई घर में। और सुनो बहु तेरे प्रेमी तेरे यारे मेरी प्यारी, एक हम ही थोर ना है आई जन कितने कऊ और अगे ना चली जाओ। बहु तेरे प्रेमी तेरे यारे मेरी गुइया, तुम जाब उनके पास जी, जो बहुत सारे लोग हैं उनके पास में चली जाओ। अरे अब तुम हम को छोड़ी हो यारी मेरी गुइया, मैं हो जाए हैं बदनाम जी, ऐसा करो तुम जाओ, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता हूं। वो औरत जिसके पास जाती है वही प्रेमी द्वार से उसे भगा देता है। आधी रात जहां द्वारे इस औरत के लिए खुले थे वही द्वार आज हर द्वार उसके लिए बंद हो चुका है, कोई नहीं घास डाल रहा है उसे। वो औरत अरे हुई मन में मन ही न गुइया, लौट घर को आई में कचनाए। बेटा को ब्याह अगर हो जाए ना तो वहां से कछु दान दहेज मिले पास के जीव का और चलेगी हमारी, भगवान शादी करा दो ना। महाराज कुमार जब कहने लगो ललकार, और कौन से अच्छे कर्म करे जो गोने हुए हमारे, सोई डंडा ले है वो नारी निकारी है, सोई डंडा लेके बेटा ने वो नारी निकारी है। उसके बेटा ने अपनी मां को घर से निकाल दिया, भिखारियों जैसी हालत बन गई उसकी, गांव के बाहर बैठी हुई है, औरतें आती हैं कहने लगी दीदी क्या हो गया? अरे तुम्हारी तो चैन की बंसी बज जाती है, वो कहा भाव? अब भाई धीमे धीमे अपने पति व महात्मा की याद आने लगी, लला पुजारी की, सोचने लगी कहां रहते हैं वो, अब उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो औरत उठती गिरती आश्रम पर पहुंच गई है, और जाके रो रो करके नारी ने आंसू दीने
सब जीवन में दुख दो मोय माफ करो भरतार। आश्रम पर पहुंच गई, अब पुजारी के चरणों में गिर गई, कहने लगी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सोई चरण गिर गई नारी, मेरे भरतार माफ मोय कियो, कब उनाय ढंग से बोली रे नए थाल पर सिमन दियो। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, मुझे बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो ना। कब उन ढंग से ना बोली तुमसे, अपने हाथ से कभी एक गिलास पानी भी नहीं तुम्हें दिया, मुझे माफ कर दो, मैं माफी के लायक तो नहीं हूं फिर भी मुझे माफ कर दो ना। मैंने खोटी कर दी, करी जात में मरी, कभी रहो ही हो मेरे बेटा ने मोकूरे के भगाए घर से दियो। साजन मेरे बेटा ने घर से मुझे निकाल दो, मेरे बेटा ने मोकूरे के भगाए घर से दियो। और बेटा भरी चीख कहे बाकी रानी है, मेरी हुई गई खेचा तानी है भरी, भरी चीख कहे वो रानी है, मेरी हुई गई खेचा तानी है भरी। कहने लगी साजन तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे माफ कर दो। यार न संग कटी जवानी है, और सुनो करी याद नारी पछतानी है, करी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई साजन, मुझे माफ कर दो। मैं कहूं तुमसे ढंग से उनाए बोली, महात्मा कहने लगा तो अब क्या करने आई है तू यहां है? अरे क्या करने आई, तेरे लिए मेरे पास में अब कोई जगह नहीं है, चली जाए यहां से। पैरों पे गिर गई, भला आपके अलावा दुनिया में मेरा कौन है, क्यों कौन नहीं है? अरे तेरे तो गिनती लाएगी कितने चाहने वाले हैं, चली जाए यहां से। औरत ने पैरों पर गिर करके गलती की जब क्षमा मांगी है, उस समय मेरे भैया महात्मा ने अपनी औरत को माफ कर दिया, कहा सुन जो नई उम्र जवानी की उम्र तेरी थी वो यारों के संग गुजर गई, अब राही क्या है, कुछ नहीं रहा, सुन। अरे तूने हीरा जो असली हीरा था लुट गया, अब क्या रह गया। अरे तूने हीरा और लुटाए दो चपरे में, तूने हीरा अरे चपरे मेरे तूने चोरे में दुइया, चपरे में तूने हीरा, हाय हाय हीरा शिवदी पर हीरा, लुट गओ चपरे में तूने हीरा। अशन अरे बालापन हंसी खेल के गमायो, और बालापन हंसी खेल के गमायो, जवानी पे यारन से नेह लगायो, अरे
मौसी को आयो। भरी जवानी तूने यारन सिंह बिताए दी, अब बुढ़ापे में इनू आई है। और तेरी उम्र निकल गई है नखरे में, तूने हीरा हाय हाय हीरा गैया हीरा लुटाए दो चपरे में, तूने हीरा इस तरह से मेरे भैया उस पुजारी ने बदचलन स्त्री को माफ किया और कहा, सुन मैं भगवान का भजन कर रहा हूं और तू भी हमारे साथ बैठ और भगवान का भजन कर। मैंने सुंदर पुजारी की कथा सुनाई दई गाय की, नर नारी करो या राम घरे है जाएगी। ये सुंदर कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है त्रिमूर्ति डिजिटल चैनल के माध्यम से, आज हमारे बड़े भाई श्री मुन्नालाल शिवहरे जी जो खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उधर आज की, अरे सुंदर सूरत मेरे भैया की जापे उदय के भव बलिहार, छोटो भ्रात समझ के उदय को शिवहरे ने लो गले लगाई। और गणेश जी जो भ्रात मेरे ही कैमरा यहाँ पे रहे हैं चलाई, अरे सीलू बेटा गिरोह पुरवा को के हर दोई बालो जान गवाई। शिव दीप चैतन्य जो भात मेरे ही बैठे मंदर मंद मुस्काई, अरे बॉबी बेटा जो यागरा बालो सुंदर चिमटा रहो बजा।